नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश एवं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने शनिवार को केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने शंकराचार्य समाधि, दिव्य शिला से समाधि तक, पैसेज मार्ग, MI-26 हेलीपैड, सरस्वती व मंदाकिनी घाट आदि का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में तेजी लाने व गुणवत्ता परक कार्य कराने के निर्देश दिए। शंकराचार्य समाधि के चार दीवारी व मंडल वॉल का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जिंदल सोशल वर्क के प्रबंधक विकास राणा को 31 दिसंबर तक शंकराचार्य समाधि व पैसेज को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सरस्वती नदी पर आस्था पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व घाट के लिए स्टेप भी बन चुके हैं। घाट को जाने वाले स्टेप पर सौंदर्यीकरण हेतु लाइटनिंग का कार्य किया जाना है। घाट के आसपास 5 व्यू पॉइंट बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 व्यू पॉइंट पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने JSW को सितंबर माह का अंत तक शेष 2 व्यू पॉइंट का निर्माण करने व अक्टूबर तक घाट सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिशासी अभियंता DDMA प्रवीण कर्णवाल को 31 दिसंबर तक पुल निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ध्यान गुफा में लंबित कार्य को भी तय समय के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, श्रीमती वंदना भी उपस्थित थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।